दोनों में हमें काम करने की जरूरत है। आगे यदि हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पे और अन्य राज्यों से हम कंपेयर करें तो नर्सिंग में हमारी प्रति, एक मिनट पीछे, जरा पीछे वाली स्लाइड पे, हम 1000 की आबादी पे 0.61 नर्सेस पे हैं, जो मानक है वो 3 है, और कई राज्य ऐसे हैं जो हमसे 12 गुना 13 गुना ज्यादा नर्सेस प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इसी प्रकार से आप देखेंगे टेक्नीशियंस में हमारे कई सारे टेक्नीशियंस के पद खाली रहते हैं क्योंकि हमें ट्रेड मैन पावर उपलब्ध नहीं हो पाए। तो जो फोकस हमने मेडिकल एजुकेशन पे, डॉक्टर एजुकेशन पे पिछले 5 सालों में दिया, मिशन नेरामिया के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं अगले 5 सालों में नर्सिंग और पैरामेडिकल एजुकेशन पे उसी प्रकार का फोकस हो ताकि ये क्षेत्र भी साइमल्टेनियसली डेवलप हो सके। अभी मैं एक ये बताना चाहूंगा कि अभी हम लोगों ने हाल में 4743 नर्सेस की भर्ती के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन के लोक सेवा आयोग के माध्यम से आवेदन दिया था, एडवर्टाइजमेंट निकाला था, और हमसे 2283 को भर पाए क्योंकि सिर्फ 3% विद्यार्थी नर्सेस ऐसी थी जो 1,00,000 बच्चे उसमें प्रतिभाग किया, उन्होंने जो मिनिमम यूपीएससी का बेंचमार्क है वो पास किया। तो इसका मतलब अभी हमें दोनों संख्या के रूप में भी काफी एक्सपेंड करने की जरूरत है और क्वालिटी में गुणवत्ता सुधार के दोनों आयामों पे हमें काम करना होगा। अगला, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी को देखते हुए 4 हमें चैलेंज दिए हैं। पहला कि संख्या में विस्तार, दूसरा गुणवत्ता में सुधार, तीसरा जो लोग हम इस शिक्षा से, इस व्यवस्था से निकालें उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं, उनको अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध कराएं, और चौथा जो हमारी नियामक व्यवस्था है, रेगुलेटरी व्यवस्था है,